प्रतीकात्मक फोटो, नई दिल्ली। लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही वायुसेना एक बड़ी डिफेंस डील शुरू करने जा रही है। भारत ने शुक्रवार को 110 लड़ाकू विमानों के बेड़े की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह डील करीब 1,00,000 करोड़ रुपए, करीब $15 बिलियन से भी अधिक की है। माना जा रहा है कि यह हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। यह भी पढ़ें, F-16 से भारत को सबसे बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम के केंद्र में रहने का मौका मिला। लॉकहीड वायुसेना ने अरबों डॉलर के खरीद सौदे के लिए RFI सूचना के लिए अनुरोध या शुरुआती निविदा जारी की है। यह सौदा सरकार के मेक इन इंडिया पहल के साथ होगा। अधिकारियों ने कहा कि भारत में अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी लाने के मकसद से हाल में शुरू रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारतीय कंपनी के साथ मिलकर विदेशी विमान निर्माता लड़ाकू विमानों का उत्पादन करेंगे। यह भी पढ़ें, राफेल सौदे को घोषणा के 16 महीने बाद मिली थी मंजूरी। सौदे की स्पर्धा में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, साब और दसॉल्ट समेत अन्य सैन्य विमान निर्माता कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। वायुसेना पुराने हो चुके कुछ विमानों को बाहर करने के लिए अपने लड़ाकू विमान बेड़े की गिरती क्षमता का हवाला देते हुए विमानों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दे रही है। वीडियो, राफेल डील पर दस्तखत, 20 साल बाद एयरफोर्स को नया विमान। सरकार द्वारा 5 साल पहले वायुसेना के लिए 126 मध्यम बहुभूमिका लड़ाकू विमान MMRCA की खरीद प्रक्रिया को रद्द करने के बाद लड़ाकू विमानों के लिए यह पहला बड़ा सौदा होगा। इसकी जगह राजग सरकार ने सितंबर 2016 में 36 राफेल दोहरे इंजन वाले लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस सरकार के साथ 7.87 अरब यूरो, करीब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत किया था। इनपुट एजेंसी हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो